नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अमोनिया कंप्रेसर का जो पिस्टन होता है दोस्तों, उसके अंदर एक डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों ये डिस्चार्ज वाल्व, इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये ख़राब हो गया था तो दोस्तों हमने इसको रिपेयर किया है। रिपेयर ये था कि दोस्तों इसके साइड में डस्ट आ गई थी, ठीक है, जो गंदगी जम गई थी, तो हमने उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया है और इसको ऑयल से भी साफ़ किया दोस्तों। और इसकी जो गंदगी है तो हमने सफाई कर दिया, साइड में इसके गंदगी आ गई थी दोस्तों। जो पिस्टन है, पिस्टन के अंदर इसका यूज होता है दोस्तों। जब हम उसका हेड खोलेंगे दोस्तों कंप्रेसर का, उसके हेड पे स्प्रिंग लगा होगा दोस्तों। स्प्रिंग के बाद ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व आएगा दोस्तों, फिर पिस्टन आएगा दोस्तों, ठीक है। पिस्टन के बाद कनेक्टिंग रॉड आएगी और दोस्तों ये इसका काम ये होता है कि जब नीचे से प्रेशर आता है दोस्तों, प्रेशर को ऊपर की तरफ धकेलता है और फिर बंद हो जाता है दोस्तों। यानी ऊपर का प्रेशर ऊपर रह जाता है और नीचे का प्रेशर, यानी जो नीचे का प्रेशर है वो नीचे रह जाता है, जो वैक्यूम होता है वो नीचे रह जाता है और प्रेशर ऊपर की तरफ आ जाता है, फिर वो कंडेंसर में चला जाता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, इसको फिट कैसे करें दोस्तों, या कैसे इसको खोलें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो मैच के।